नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दे, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में बज चुका है भारत का डंका। भारत बन चुका है स्थायी सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। जी, आपको बता दे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है भारत। पाकिस्तान की और चीन की टेंशन बढ़ चुकी है। भारत को यूएन में मिला है वीटो पावर। दरअसल आपको बता दे कि 1 अगस्त यानी आज से भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की कमान संभाल लिया है। भारत का कार्यकाल 1 महीने का ही रहने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भारत इसके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण और बड़ा ताकतवर होने वाला है। वही भारत को सुरक्षा परिषद की कमान मिलने से पाकिस्तान और चाइना की भी अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा है। दोनों देशों को लग रहा है कि भारत कहीं दुनिया के अन्य देशों के सामने उनकी छवि को एक्सपोज न कर दे। जिस तरीके से चाइना में मानवाधिकारों का उल्लंघन बर्बरता और चीन का एक तरीके से तानाशाही रवैया और आतंकवाद को लेकर फेमस पाकिस्तान, इन दोनों का कहीं ना कहीं यूएन में एक्सपोज न हो जाए, क्योंकि भारत को मिल चुका है वीटो पावर। जी हां, अध्यक्ष बन चुका है भारत 1 ही महीने के लिए सही, लेकिन यह ताकत भारत को हासिल हो चुकी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान प्रासंगिक नियमों और मानकों का पालन करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का जिक्र कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की कहा है कि भारत का अध्यक्ष बनने का अर्थ यह भी है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे को इस मंच पर नहीं उठा सकेगा। भारत का पहला कार्यकारी दिवस सोमवार 2 अगस्त को होगा। इस दौरान वो 3 प्रमुख क्षेत्रों समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा और आतंकवाद को रोकने संबंधी विशेष को मेजबानी करने के लिए तैयार है। दरअसल यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत 3 बड़े क्षेत्र समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षण और आतंकवाद रोकथाम के संबंध में 3 उच्च स्तरीय प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। त्रिमूर्ति ने स्पष्ट कहा है कि समुद्री सुरक्षा हमारी उच्च प्राथमिकताओं और सुरक्षा परिषद के लिए इन मुद्दों पर समग्र रूप से रुख अपनाना जरूरी है। दूसरे कार्यक्रम शांति रक्षा में हमारी अपनी लंबी और अग्रणी भागीदारी को देखते हुए यह दिल के करीब बताया है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई वो ये है कि भारत की अध्यक्षता पर चीन भी पूरी तरीके से बहुचक्का है। चीन को लग रहा है कि आने वाले समय में यूएन में भारत कहीं ना कहीं तरीके से कुछ बड़ा उलटफेर कर सकता है चाइना को लेकर। आपको बता दें कि अध्यक्षता अब जैसे ही भारत के हाथों में आई है, उसके बाद से यूएन में भारत की ये ताकत अपने आप में दुनिया भर के तमाम देशों को भारत के एक अलग नज़रिए से देखने पर मजबूर कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत को सुरक्षा परिषद की कमान मिलने के बाद चीन और पाकिस्तान को भी डर सताने लगा है। तो दोस्तों, भारत की जिस तरीके से अध्यक्ष बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भारत को बना दिया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? आप कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले। और भारत का जो पहला कार्यकारी दिवस सोमवार से होगा, 2 अगस्त से होगा, इसी दौरान वो 3 प्रमुख पहले तो क्षेत्र समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा और आतंकवाद को रोकने संबंधी विशेष कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। तो सबसे जो स्ट्राइक करेगा वो है आतंकवाद। जी हां, इस्लामिक टेररिज्म पर यूएन में भारत को इस अध्यक्षता मिलने के बाद जोरदार प्रहार करने वाला है। यह रणनीति प्रधानमंत्री मोदी ने बना ली है। अगर आप भी मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ यूएन में जोरदार, भारत को और तेजी के साथ इस बात को प्रमुखता से उठाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।